गणपति बाप्पा मौर्य। हजुरले पहिलो डोनेसन नानीको निम्ति गरिदिनु भएको छ। सो हाई गाइस, सो अभी फिलहाल अपना गणपति भी आ चुका है, उनका फेस रिवील नहीं किया है, आज खुला नहीं है, आज से आज शुरू है पूजा, और से पूजा शुरू करेंगे। सो सभी भाई लोगों को गणपति का ढेर सारी शुभकामनाएं। तो सुबह का हो चुका है 7:30, अब मैं जाने वाला हूँ ना ड्यूटी। सो वेलकम बैक टू, सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, सो वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। एंड सुबह का 7:30 हो चुका है और मेरा यहाँ पे ब्लैक टी उबल रहा है, हो चुका है, मैं डालने वाला हूँ। और कल रात को हुआ था तीज का पार्टी, मेरे पे नहीं, मैं दूसरी जगह गया था। अरे बबल हुआ बबल, वो वीडियो भी देख लेना, थोड़ा सा वो भी मजा आएगा। ल हेप्पी बर्थडे है, ल ल ल तपाईँको केक त अलिकति सेतो ल्याउनु होस् न, मैले अभी फिलहाल अपना ऑफिस के लिए निकल चुका हूँ। और दूसरा चीज, एक 21 महीने का जो बच्ची है उनके लिए डोनेशन कैंपिंग वगैरह चल रहा है। सो काइंडली एक हेल्पिंग हैंड, यथा शक्ति जितना कर सकते हो, है ना, 5 दिरहम, 10 दिरहम, 20 दिरहम, एज योर विश, थोड़ा डोनेट कर देना, हेल्पिंग हैंड बढ़ा देना। कि एक नेपाली में कहावत, एक थुकी सुकी 1000 थुकी नदी, और इसके लिए एक छोटी सी अमाउंट से किसी का जान बच जाए तो बहुत ही अच्छा है ना। लगा पड़ा हूँ मैं तो, और ऑफिस वालों ने भी थोड़ा सपोर्ट दिखाया है, सब बंदे लोग मतलब पॉजिटिव ही रेस्पॉन्स दे रहे हैं। सबको भी मैंने बोला है, मतलब ना तो नहीं कहा, देखते हैं अभी कलेक्शन कितना होता है ना। अभी महीने का मतलब मिड वीक है, और उसमें कितना होता है, क्या होता है कलेक्शन, सब दिखाएंगे। चलो मिलते हैं बाद। सो स्पेशली थैंक टू मिस्टर विनोद, जिसने अपने को बहुत हेल्प किया। जो कलेक्शन वगैरह अभी तो हुआ नहीं है, अभी हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं, क्योंकि मतलब बीच क्या आवाज़ है, कितना 20 तारीख। सो सभी लोगों ने बोला है कि मतलब सैलरी पे अगर होता तो सब अच्छा कलेक्शन होता है। इसके लिए
मैं वेयर हाउस में आया हूँ और हम लोगों ने इस तरीके से ये बच्ची का फोटो लगा के पूरा ऐसा पूरा डिटेल्स उनका पिताजी का मतलब पापा का बैंक अकाउंट वगैरह सब दिया हुआ है। सो अभी फिलहाल उसका डोनेशन बॉक्स के लिए हम लोग एक बॉक्स लेके उसको रैपिंग कर रहे हैं। तो रैपिंग करने के लिए अपना भाई विक्रम इधर जो मेरे को फ्रेंड वगैरह सब कुछ हेल्प करने के लिए मिस्टर विनोद इज़ फ्रॉम तमिलनाडु इज़ अ वेरी हेल्पिंग गाय। सो डू कमेंट। सो अभी चालू करेंगे हम लोग रैपिंग। चल मेरे भाई नीचे करना, नीचे रख के उसको करना, वो इसमें रखना 2 मिनट। सो ओके र फाइनली अपना पेडिन ला डोनेशन कैंपेनिंग के लिए बॉक्स रेडी हो चुका है। सो अपना पैशन का नाम है पेडेनला जो विच इज़ 21 महीने का है एक्चुअली उनका उम्र। स्पेशली थैंक टू मिस्टर बजरंग भाई जो जिसने अपना कीमती वक्त देके ये बॉक्स रेडी कर दिया, स्पेशली थैंक यू। सो गाइस सो अभी यही कहना चाहता हूँ कि मतलब अभी धीरे धीरे करके इसको थोड़ा डोनेशन डोनेट कर दीजिएगा कि हेल्प हो जाए जो उनका परिवार के लिए और हेल्पिंग हैंड। एक छोटी सी रकम से आप किसी का ज़िंदगी अगर बच जाए तो इससे बड़ी बात क्या हो सकता है। सो गाइस सो काइंडली हेल्प टू मेक अ हेल्पिंग हैंड पॉसिबल किसी का जान बचाने का है और प्लीज़ सेव अ लाइफ। थैंक यू। सब कुछ रेडी करके पूरा टेप वगैरह चिपका दिया है ताकि कोई उठा ना ले क्योंकि फिर भी उठाएगा तो कोई नहीं, फिर भी एक सेफ्टी के लिए टेप वगैरह लगा दिया। चलो गाइज ट्राई टू हेल्प दिस फैमिली टू बैक इन दिस लिटिल गर्ल लिटिल वन इन अ नॉर्मल लाइफ। Please save a life. So अपनी तरफ से जितना हो सकता है करेंगे। अभी फिलहाल महीने का अंत, महीने का 20 तारीख और आज से ही लगा दिया मैंने और वेयर हाउस में लगा दिया है क्योंकि मतलब अभी महीने के 20 में किसी के पास इतना पैसा नहीं होएगा, मतलब जो सैलरी आएगा उसी से ही थोड़ा बहुत डोनेट करके एज ए हेल्पिंग है जितना हो सके आप लोग हेल्प कर दीजिएगा। इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट फ्रॉम आवर साइड, मेरी तरफ से भी और फैमिली की तरफ से भी। सो गाइस इतना ही था। सर हजुरको नाम भनिदिनुस् त। मेरो नाम चाहिँ सन्तोष राई, म एमएसको ड्राइभर हो हजुर प्रजन साइडको। र हजुरले पहिलो डोनेसन नानीको निम्ति गरिदिनु भएको छ, सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद है। र नानीको एकदमै सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै है, अरू भन्दा नि बच्चाको जिन्दगी राम्रो होस् त्यही नै हाम्रो शुभकामना छ। हजुर भगवान्सँग प्रार्थना गर्दछौँ हामी। ल धन्यवाद सर। ल गणपति बापा मोरिया। र फिलहाल मैं ड्यूटी से आ चुका हूँ और पूजा ऑलरेडी खत्म हो चुका है और आप लोग भी थोड़ा आशीर्वाद ले लें, दर्शन कर लें गणपति बापा सफल तुलाए। स्पेशली जो हम लोग जो एक बच्ची के लिए जो डोनेशन कैंपिंग वगैरह उनके इलाज के लिए जो काम वगैरह कर रहे हैं सो सक्सेस हो जाए, ये बापा से आशीर्वाद लेते हुए बोले गणपति बापा मोरिया। र आइपुगे है म पनि घर र फाइनली आ चुका हूँ मैं अभी घर और थोड़ा सा सर्ट निकाल के पहला दर्शन लिया ऐसा ही है। अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते, बच्ची के सुस्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर दी।
पूरा का पूरा अपडेट करते रहेंगे आप लोगों को, क्या है क्या नहीं है, है ना। चलो मिलते हैं तब तक के लिए दूसरे वीडियो में।